लगभग पौने 500 जो रेगुलर नियमित स्टाफ की जरूरत थी वो सैंक्शन हो गया है। तेजी से भर्ती होगी। आउटसोर्स से भी लगभग 450 अलग अलग आवश्यक कर्मचारी रखे जाएंगे। अभी आयुष्मान का इलाज वहां प्रारंभ हो गया है और ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल इसको भी लोकार्पित किया है। मैं मानता हूं कि ग्वालियर में स्वास्थ्य की सुविधाओं की दृष्टि से आज एक बड़ा कदम उठा है, एक बड़ी क्रांति आई है, जिसका लाभ केवल ग्वालियर को नहीं, ग्वालियर चंबल संभाग के साथ साथ आसपास लगे हुए दूसरे राज्यों के जिलों को भी मिलेगा। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में लगातार भर्तियों का क्रम जारी है। अभी दो और विभाग बचे हैं जहां विशेषज्ञों की भर्ती होनी, उसकी प्रक्रिया जारी है। मैं मानता हूं कि ग्वालियर की जनता के लिए, संपूर्ण ग्वालियर और चंबल संभाग के लिए ये एक स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से एक बड़ी सुविधा मिली है जनता को। बीच में आया था कुछ एसी की आवश्यकता है, तो जो भी आवश्यक एसी भी हम पूरे करेंगे, और चूंकि आज तो लोकार्पण हुआ है, इसके बाद जो भी आवश्यकताएं अस्पताल की होगी, चिकित्सालय की होगी, वो सब पूरी की जाएगी।